पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नलियाकोट में पेश किया गया। फिर क्या हुआ, अब कोर्ट में कब होगी अगली सुनवाई, आइए जानते हैं अंदर की बात में। पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कच्छ की नलियाकोट में पेश किया गया। कोर्ट ने लॉरेंस को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मांगनी अलग अलग प्रकार की थी, एमा 14 दिवस ना फरी पाछा रिमांड की मांगनी करेली, एमा कोर्टे अमारी दलील ग्राह्य राखी अने 4 दिवस ना रिमांड रजू कर्या छे, मंजूर कर्या छे अने ए 28 तारीख ना फरी पाछो एमने कोर्ट समक्ष रजू करवामां आवशे। जानकारी के मुताबिक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 4 दिन के रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। लॉरेंस बिश्नोई को 200 करोड़ के ड्रग मामले में गुजरात एटीएस तिहाड़ जेल से गुजरात लाई थी। लॉरेंस को कड़ी पुलिस मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था के साथ अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाने के मामले में नलियाकोट ने लॉरेंस की 4 दिन की रिमांड मंजूर की है। 2022 एटीएस और कोस्ट गार्ड ने जखौ समुद्र में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से आ रही अल्तव्यास्या नाव से 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई को नलियाकोट में पेश किया गया था। हाल ही में गुजरात एटीएस टीम ने जखौ समुद्र से एक पाकिस्तानी नाव से लगभग 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की थी और मोहम्मद शफी, इमरान, मोहसिन, जहूर, सोहेल और कामरान को गिरफ्तार किया था। यह भी खुलासा हुआ कि ये ड्रग्स लॉरेंस बिश्नोई ने मंगवाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को 45 दिन के अंदर चुनाव कराने के लिए कहा था, मगर कुश्ती संघ के चुनाव नहीं हो पाए। 2 बार हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। चुनाव में देरी के चलते वर्ल्ड रेसलिंग ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। भारतीय कुश्ती की सदस्यता रद्द, वर्ल्ड रेसलिंग ने दिया बड़ा झटका। देश के पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। WFI की सदस्यता 45 दिन में चुनाव ना करवा पाने की वजह से रद्द हुई। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 12 अगस्त को होने थे, मगर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले चुनाव पर रोक लगा दी थी। इससे पहले वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को 45 के अंदर चुनाव कराने के लिए कहा था, मगर काफी समय बीत जाने के बावजूद चुनाव नहीं हो पाए। ऐसे में वर्ल्ड रेसलिंग ने एक्शन लेते हुए भारतीय कुश्ती को सस्पेंड कर दिया है। असम हाईकोर्ट भी भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा चुका है। चुनाव पहले 11 जुलाई को होने थे, मगर असम रेसलिंग एसोसिएशन अपनी मान्यता को लेकर कोर्ट पहुंच गए, जिस पर सुनवाई करते हुए असम हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। भारतीय कुश्ती में पिछले कुछ महीनों से बवाल मचा हुआ है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों ने तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। पहलवानों ने काफी समय तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने फेडरेशन के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में धर्मेंद्र का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। 8 साल के धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर शुरुआत की थी। अब तक करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं धर्मेंद्र। कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक है धर्मेंद्र। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार धर्मेंद्र अपनी लेटेस्ट फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर चर्चा में है। अब तक करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके धर्मेंद्र 335 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ लोनावला के एक फार्म हाउस में रहते हैं। धर्मेंद्र के इस फार्म हाउस की कीमत तकरीबन 120 करोड़ रुपए है। इसके अलावा धर्मेंद्र के पास 2 और घर है, इसमें से एक की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए और दूसरे की कीमत 29 करोड़ रुपए है। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के पास भी लगभग 65 करोड़ की संपत्ति है। बेशक कीमती विंटेज फिएट से लेकर 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज तक धर्मेंद्र के पास दर्जन भर कारें भी है। धर्मेंद्र को अपने बेटे सनी देओल ने रेंज रोवर एवोकी गिफ्ट की थी। इस कार की कीमत लगभग 70 से 75 लाख है। धर्मेंद्र ने अब रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में धर्मेंद्र ने गरम धर्म ढाबा नाम से रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत की है। उन्होंने करनाल हाईवे पर ही मेन नाम से पहला रेस्टोरेंट 2022 में खोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।
शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स के साथ साउथ के कई नामचीन कलाकार भी शामिल हैं। इस फिल्म में सभी स्टार कास्ट को कितने पैसे मिले हैं, शाहरुख ने सबसे ज्यादा कितनी फीस ली? पठान के साथ बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाने के बाद अब हिंदी सिनेमा के किंग शाहरुख खान फिल्म जवान के साथ फिर एक बार थिएटर में एंट्री करने वाले हैं। साउथ के मशहूर निर्देशक एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए है और ये शाहरुख की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। जवान में शाहरुख खान के साथ साउथ के मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, प्रिया मणि, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी नजर आएंगे। फिल्म में डबल रोल में नजर आने वाले शाहरुख खान ने फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। इसके अलावा फिल्म की प्रॉफिट शेयरिंग में भी कुछ फीसदी उन्हें दिए जाने की बात सामने आई है, यानी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शाहरुख की झोली में ही होगा। जवान के साथ साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। कहा जा रहा है कि जवान में कुछ मिनटों के कैमियो के लिए उन्होंने 25 से 30 करोड़ की रकम चार्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। आर्थिक मोर्चों पर चीन से एक के बाद एक आ रही बुरी खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं भारतीय शेयर बाजार कोरोना काल के बाद के दौर में एशिया में निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर साबित हो रहे हैं। कैसे निवेश के मामले में चीन से बेहतर बना भारत? साल 2020 के आखिर में भारत के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने लोकल करेंसी में सालाना 14% का रिटर्न दिया है। एशिया में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी में जितने भी इंडेक्स है उसमें सेंसेक्स का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा। भारतीय बाजार 3 साल से लगातार स्थिर रिटर्न दे रहा है, जबकि चीन में कभी कभार आने वाली तेजी हमेशा रिटर्न देने में विफल रही है। चीन में विदेशी निवेश मई 2021 में चरम पर था। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से भी भारतीय बाजार सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसी अगस्त में जहां दुनिया भर की इक्विटी में 5% से ज्यादा गिरावट आई, भारतीय बाजार में महज 2.1% की गिरावट दर्ज की गई। मई 2021 में चीन में विदेशी निवेश अपने चरम पर था, तब वहां पिछले 12 महीनों में $300 बिलियन आए थे। इससे 3 महीने पहले चीन का इंडेक्स भी अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा था। भारत में भी उस समय निवेश चरम पर था, लेकिन इसकी रफ्तार चीन की रफ्तार का 10वां हिस्सा ही थी। अब हालात बदल चुके हैं, तब से चीन के बाजार 50% तक गिर चुके हैं, वहीं भारत में 25% की बढ़त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल ऐप का एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर से वेब पर जीमेल यूजर्स 100 से अधिक भाषाओं में आसानी से ईमेल का अनुवाद कर सकते हैं। कैसे इस नए फीचर का उपयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल ऐप पर एक नया लैंग्वेज फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इसमें जीमेल ऐप पर अब किसी भी भाषा में अपना ईमेल पढ़ सकते हैं। एक नए फीचर से वेब पर जीमेल यूजर्स 100 से अधिक भाषाओं में आसानी से ईमेल का अनुवाद करने में सक्षम है। जीमेल ऐप स्वचालित रूप से ईमेल सामग्री की भाषा का पता लगाता है और ईमेल के टाइटल पर एक बैनर प्रदर्शित करता है जो इसे उपयोगकर्ता की पसंदीदा भाषा में अनुवाद करने की पेशकश करता है। उदाहरण के लिए, अलग कोई ईमेल स्पेलिंग में है और यूजर की भाषा अंग्रेजी है, तो वे अनुवादित कंटेंट को देखने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करें पर टैप कर सकते हैं। आप ट्रांसलेट बैनर को भी पसंद कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक भाषा के लिए ट्रांसलेट बैनर को बंद करने के लिए डोंट ट्रांसलेट संकेत को स्वीकार करें, जो बैनर को खारिज करने पर दिखाई देता है। इस बीच अगर सिस्टम किसी दूसरी भाषा का पता लगाने में विफल रहता है, तो आप 3 बिंदु मेनू में मौजूद ऑप्शन का इस्तेमाल करके ईमेल का मैनुअल रूप से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। जो बाइडेन की भारत यात्रा को लेकर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियर के एक बयान जारी किया है। कब भारत के दौरे पर आएंगे अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख जो बाइडेन? किस समिट में लेंगे हिस्सा? किन मुद्दों पर करेंगे चर्चा? भारत इस समय G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इसी क्रम में भारत की मेजबानी में सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे।
इस बीच सामने आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। जो बाइडेन की भारत यात्रा को लेकर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियर ने एक बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वे अन्य नेताओं के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बाइडेन G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करेंगे। बता दें कि G20 विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यह शिखर सम्मेलन भारत में विश्व नेताओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक होने की उम्मीद है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।